नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी खजुराहो पहुंची। वे यहां पर समृद्धि मोबाइल एप्स विमोचन और समृद्धि परियोजना कार्यशाला में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या फिर कला का क्षेत्र हो। माधवराव सिंधिया के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सिंधिया जी भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे तो भाजपा सत्ता से दूर हो गई थी, यदि वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे तो भाजपा विपक्ष के काम की भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जो वादा सरकार ने किया था उसी को पूरा करने के लिए सिंधिया ने सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। योजना है जो इसी प्रदेश में जैसी चल जाए, मध्य प्रदेश में कैसी चल रही, भारत सरकार कैसी चला रही, मध्य प्रदेश उस तरीके को कैसा चलाना चाहती है उस तरीके से चलती है। और आज आपने देखा होगा कि अगर हमारी योजनाएं मध्य प्रदेश की अच्छी नहीं होती तो क्या बीजेपी सरकार दिल्ली में बैठ के हमको पुरस्कार देती? इसी 3 तारीख को हम 3-3 पुरस्कार लेके आए हैं, अच्छे काम के पुरस्कार हैं। हनुमान चालीसा पढ़े भगवान में सुनती देगा, क्या कहना? हमने सुनिए ही नहीं। और वे बीजेपी वाले हैं ये तो कुछ भी कहते हैं, उनमें बोलने की कुछ है ही नहीं सोच के हमको क्या बोलना है, ना समझदारी है। वो तो अपने गीत गाते हैं। कुपोषण की बात हम जब करते हैं तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसके तहत जो मध्य प्रदेश है वो कुपोषण में जो पहले स्थिति थी उसके अंतर्गत थोड़ा सुधार हुआ है। जो अमला है वो उसमें कार्यरत है, सक्रिय है लगातार। और अभी हम लोग सी से में कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें कि कुपोषित बच्चों का विशेष रूप से उपचार किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनमें कोई मेडिकल जटिलता नहीं है और जिनको जो खाना खा सकते हैं सहज रूप से लेकिन कुपोषित हैं, उनका 5 दिवसीय एक सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से उपचार किया जाएगा।